अरे क्या करूं, डिलीवरी के बाद मेरा तो शरीर ही बेडौल हो गया है। मोटी हुई जा रही हो, वजन कम ही नहीं हो पा रहा। क्या होगा मेरा, क्या मैं ऐसी ही दिखूंगी? जी नहीं, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन एक रास्ता तो पता होना चाहिए। आइए आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि पोस्टपार्टम जो हम डिस्टर्बेंसेस फील करते हैं फिजिकली या मेंटली, उसको हम कैसे ठीक करेंगे। छोटे छोटे लेकिन वंडरफुल और बहुत ही इफेक्टिव आइडियाज आप सभी के लिए। हेलो एंड वेलकम अगेन टू YouTube Mom। यहाँ पर हम प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम केयर, न्यू बॉर्न बेबी केयर पे ढेर सारी जानकारी आपको लेकर आते हैं और हर दिन लेकर आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल टच कर दीजिए। सो पोस्टपार्टम जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बाल का गिरना, स्ट्रेस होना, कुछ अच्छा नहीं लगना, अपने आप को देखकर बहुत ही डिससेटिस्फाइड फील करना, डिप्रेस्ड फील करना कि आपकी फ्रेंड्स तो देखो कितनी जल्दी ठीक हो गई, लेकिन मैं वापस कब नॉर्मल हो पाऊंगी, कैसे फिट होंगी और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें अपने लिए टाइम कैसे निकालूं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्ने होता है, पिगमेंटेशन होता है, स्लीप इशूज होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। सोल्यूशन क्या है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि डिलीवरी के बाद 2 से 3 महीने का वक्त ऐसा होता है जब आपको ना तो अपने फिगर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होना चाहिए और ना ही अपने रूटीन के बारे में, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती हैं। 1 महीना पूरा बच्चे का रूटीन सेट होने में लगता है, 1 महीने तक बच्चा ही टाइम से नहीं सोता, पूरी रात जगता है, पूरे दिन सोता है। अब ऐसे में आपके साथ उल्टा होता है सब कुछ, आप सब कुछ एडजस्ट नहीं कर पाते हो, रात को अगर जगते हो तो डिस्टर्ब होते हो, फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, फूड हैबिट भी डिस्टर्ब होती हैं। 1 महीना चिंता बिल्कुल ना करें, बच्चे के रूटीन को सेट करने की कोशिश करें, कैसे जल्दी सुलाएं, इसके लिए टिप्स मैंने पहले ही शेयर की हुई है कि बच्चे को सुलाने के लिए क्या टिप्स अपनाना चाहिए कि बच्चा दिन में जागे और रात को सो सके। यकीन मानिए बहुत ही अमेजिंग टिप्स हैं और बहुत सारी मॉमीज का ये एक्सपीरियंस भी है। तो आई बटन में ये वीडियो है कि बच्चे को जल्दी कैसे सुलाएं ताकि आप अपने रूटीन को सेट कर सकें, उसे भी आप ज़रूर देखिए। अब बात आती है वेट की, कि पोस्टपार्टम मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो वेट लॉस के लिए टिप्स भी बताऊंगी और वेट लॉस को लेके आपके क्या भ्रम है उसे भी आपको ठीक करना पड़ेगा। डिलीवरी के बाद माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, 500 से 600 कैलोरी उसकी बर्न होती है अगर वो ठीक से फीड दे रही है अपने बच्चे को, लेकिन अगर आप फीड नहीं देंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। आप अपने बच्चे को अच्छे से फीडिंग कराइए, फीडिंग के लिए सारी कोशिश कीजिए, चाहे पंप यूज कीजिए, चाहे फीड इम्प्रूव करने के लिए आपको सप्लीमेंट लीजिए, शतावरी वगैरह जो भी आपको लेना है। कई बार शतावरी लेने से भी वाटर रिटेंशन होता है, महिलाएं थोड़ी सी फूली फूली नजर आती हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। आप पहले 6 महीने की अवधि पूरी तो करें। अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड आप कराएं, ब्रेस्ट फीड कराने से आपका वजन कम होगा। कोशिश करिए, शुरू कीजिए, आप मेहनत कीजिए इस चीज़ पर, आपका वेट वैसे ही कम होने लग जाएगा। तब भी कम नहीं हो रहा तब क्या करें, ब्रेस्ट फीड कराते हुए हम क्या रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं? तो सबसे पहला है आप टर्मरिक का टी ले सकते हो, फैट कटर होता है। देखिए फैट अलग चीज़ है और मसल्स अलग चीज़ होती हैं। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है तो आप लेथार्जिक भी हो जाते हो, आपका जो स्टेमिना है वो भी लो हो जाता है। तो इसके लिए आप हल्दी की भी चाय ले सकते हो, इसके लिए आप आंवले का रस ले सकते हो। जैसे सुबह शाम 10-10 ml आंवला एक गिलास पानी में ऐड करके आपने पी लिया, अब इससे क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक रहोगे, मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहेगा, विटामिन सी मिलने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो बहुत सारे फायदे मिलेंगे। साथ ही फैट कटर होता है आंवला, आंवले को डिलीवरी के बाद वन और अदर फॉर्म में ट्रेडिशनल तरीकों से भी दिया ही जाता था, सो आपको आंवला डेली लेना चाहिए। साथ ही कुछ गुड फैट खाएं। आप डिलीवरी के बाद मन चाहे तरीके से लोग घी डाल डाल के खाते हैं कि हाँ 10 किलो घी तो खाना चाहिए, ये टोटल भ्रम है, ऐसे कोई बात नहीं है। जो लोग घी नहीं खाते वो भी मजबूत रहते हैं, जो कम खाते हैं वो भी मजबूत रहते हैं। आपकी डाइट ऑल ओवर कैसी है, रूटीन कैसा है, ये मायने रखता है ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा घी खाने की होड़ ना करें, घी खाना है, घी आपको नरिश करता है, घी फैट नहीं बढ़ाता, फैट कटर होता है, लेकिन जो आप पचा ही नहीं पा रहे हो, बर्न ही नहीं कर पा रहे हो, वो शरीर पे जमा जा रहा है, इतना भी घी अच्छा नहीं है। तो 2 चम्मच 3 चम्मच या 1 लड्डू या दलिए में घी डाल के खा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीमित मात्रा में खाएं। गुड फैट लीजिए,
तेल, सब्जी में तेल कम यूज करें और फैटी चीजें कम इस्तेमाल करें, जैसे जितने भी बाहर की तली हुई नमकीनें हैं, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, कुछ भी हैं, ये आपके लिए है ही नहीं, आपको खाना ही नहीं चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो गुड फैट को शामिल करना है, जैसे कि हमारा देसी घी, आप उसे खाइए, घर की बनी चीजें खाइए। कार्ब्स को आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना, अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं किसी भी कारण से और वेट बढ़ा जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा, तो कार्ब्स को रिड्यूस करना है। कार्ब्स को सप्लीमेंट कैसे करना है, पेट कैसे भरेगा अगर हम रोटी ही कम कर देंगे, नहीं खाएंगे, तो मिलेट्स आप यूज कीजिए, फाइबर ज्यादा मिलेगा, न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, कैलोरी तो सेम ही होगी गेहूं चावल के बराबर। मिलेट्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप ज्यादा मात्रा में दाल और सब्जी लो प्लेट में, थोड़ी थोड़ा कम कर सकते हो रोटी या चावल के पोर्शन को। सलाद आप जरूर रखो, डेयरी प्रोडक्ट्स, एक स्नैक्स में आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, कभी दूध, कभी शेक, कभी छाछ, कभी लस्सी, कभी पनीर, कुछ इस तरीके से, तो ये भी आपको लॉन्ग टर्म में फुलर रखेंगे और क्रेविंग्स आपको नहीं देंगे, एनर्जी भी आपको पर्याप्त देंगे। तो अपने खाने से कार्ब्स को कम करना है अगर आपको वेट लॉस करना है। तो डिलीवरी के बाद वेट लॉस ना हो पाने का एक और बड़ा कारण है नींद पूरी नहीं होना। नहीं, सोचा भी नहीं होगा कि अगर मैं ठीक से नहीं सोऊंगी तो मेरा वजन बढ़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आपका शरीर कम नींद होने पर काफी क्रेविंग्स देता है, साथ ही वेट मैनेज नहीं कर पाता, बॉडी पे फैट बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपकी नींद का संबंध आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म से है। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो फैट एक्युमुलेशन होने लगता है, कई कंडीशंस में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम भी महिलाओं को होती है, तो शरीर फूलने लग जाता है। तो अपनी स्लीप आप कोशिश करें, एक महीने डिलीवरी के, एक महीने 40 दिन के बाद धीरे धीरे करके अपने रूटीन को अच्छा कीजिए। 7-8 घंटे की नींद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप वेट को मैनेज कर पाएं और अपनी भूख को भी संयमित कर पाएं। आगे के एपिसोड्स में मैं लेकर आऊँगी आपके लिए और बेहतरीन आइडियाज़। आप इन आइडियाज़ पर मेहनत करें, काम करें और बताएं कि आपको कैसे नतीजे मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।